तो आप लोग के साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि आप लोग गेम खेलने के लिए एक नया वर्ल्ड बनाते होगे, एंड वर्ल्ड बनाने के बाद आप सभी लोग यही सोचते होगे कि आज तो एकदम स्पीड रन कर देंगे भाई, एकदम 10 मिनट में एंडर ड्रैगन का खात्मा। बट जब वर्ल्ड ओपन होता होगा तो आप सभी लोग देखते होगे कि आपका स्पॉन पहाड़ के ऊपर, पानी के बीच में, जंगल में, या किसी पानी से घिरे हुए पहाड़ के ऊपर, जंगल के बीच में। तो अगर आप सभी लोग को भी मेरे जैसे ऐसे गेम के अंदर उठपटांग सीट्स मिलते रहते हैं जब भी वर्ल्ड क्रिएट करते हो, तो इस वाली वीडियो को एकदम पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के टॉप यूट्यूबर्स का सीट, एंड देखता हूँ किसका सीट कितना ओपी है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले ये आज की वीडियो की शॉर्ट आउट, अगर आप सभी लोग को भी मेरे वीडियोस में शॉर्ट आउट चाहिए तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दो। और हाँ, आज की इस वाली वीडियो में अपने फेवरेट क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग यूट्यूबर का नाम कमेंट में जरूर से लिखना, जो भी आपका फेवरेट हो कमेंट में नाम जरूर से लिख देना उसका। तो गाइस हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे गेम में, एंड गेम में आने के बाद हम अभी ट्राई करने वाले अपने फर्स्ट यूट्यूबर का सीड्स, देखते हैं इनका सीड में क्या क्या चीजें मिलती है, एंड कैसे कैसी जगह पे स्पॉन होता है, एंड क्या क्या चीजें होती है। तो गाइस अभी सबसे पहला सीड डाला मैंने अनियक्स गेमर का, एंड यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑन करके वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे हम सभी लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, एंड गाइस हम सभी लोग स्पॉन हो चुके हैं स्वॉम्प बायोम में। एंड गाइस स्वॉम्प बायोम आप सभी लोग को पता ही है कैसा होता है, मुझे तो उतना पसंद नहीं है स्वॉम्प बायोम। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी लोग को देख सकते हो इस कोऑर्डिनेट पे एक टनल देखने को मिल जाएगा, जो कि ज्यादा गहरा तो नहीं है, बट गाइस यहाँ पे ठीक ठाक है, आप सभी लोग यहाँ पे अपना सीक्रेट बेस वगैरह बना सकते हो। उसके बाद आप सभी लोग को इस कोऑर्डिनेट पे एक बहुत ही बड़ा रवीन देखने को मिल जाएगा, इसको आप रवीन भी कह सकते हो, केव भी कह सकते हो, क्योंकि गाइस दोनों का मिक्सचर लग रहा है। एंड गाइस ये जो केव है, रवीन है, जो भी है, ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा गहरा है, एंड यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। तो चलो थोड़ा सा उजाला कर लेते हैं, पहले यहाँ पे आ गए इन्वेंटरी में, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं नाइट विजन का पोशन। तो गाइस जल्दी से पोशन मार लेते हैं, एंड रात का अंधेरे को दिन का उजाला में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सुबह हो चुकी है, एंड ये रवीन देख सकते हो काफी ज्यादा अंदर गया है, एंड काफी ज्यादा गहरा है। एंड आप सभी लोग को इस कोऑर्डिनेट पे एक डायमंड देखने को भी मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये एक सिंगल डायमंड है, एंड गाइस मुझे और कुछ खास तो दिखा नहीं इस वाले सीड में। तो गाइस चलते हैं अब अपने नेक्स्ट यूट्यूबर के सीड में। तो गाइस नेक्स्ट यूट्यूबर के सीट के बारे में आप सभी लोग को बताने से पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज़ बताता हूँ, गाइस इस वाले वीडियो को बनाने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा चैनल कल डीमोनिटाइज हो गया, तो मतलब कि मुझे कुछ अर्निंग भी नहीं होने वाली इस वाली वीडियो से। तो गाइस आप सभी लोग से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बस वीडियो को एक लाइक कर दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, तो काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि बनाने में, आप सभी लोग अप्रिशिएट जरूर से करना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 200 लाइक का, मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग जरूर से करा ही दोगे। तो गाइस अब आते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूबर के सीड पे। तो गाइस अब मैं डालने वाला हूँ गेमर बॉय वाइजे का सीड, एंड गेमर बॉय वाइजे का सीड मैंने जब डाल के रिकॉर्डिंग किया था तो गाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था ये सीड, एंड मुझे क्यों पसंद आया था ये अभी आप सभी लोग वीडियो में देख लो। तो गाइस मैं यहाँ पे स्पॉन हो चुका था छोटे से ग्रीन आइलैंड में, एंड गाइस ये जो आइलैंड है छोटा सा है, एंड काफी सिंपल सा आइलैंड है, एंड कुछ खास नहीं है इस आइलैंड में, बस यहाँ पे पंपकिन है, बट मुझे आजू बाजू कहीं पे विलेज तो नहीं मिला था। बट गाइस मैं इस सीड की खास बात आप सभी लोग को बताता हूँ। तो आप जब अपने स्पॉन के ऊपर वाले आइलैंड में जाओगे तो ऊपर में सबसे आगे आप सभी लोग को एक छोटा सा स्नो बायोम मिल जाएगा, एंड इसके बाद आप सभी लोग इस कोऑर्डिनेट पे आओगे जो कि आइलैंड के ठीक पीछे ही है, तो आप सभी लोग यहाँ पे ये जंगल बायोम मिल जाएगा बम्बूज के साथ, एकदम भर भर के काफी ज्यादा बड़ा है ये जंगल आइलैंड। एंड उसके बाद आइलैंड के पीछे साइड आओगे तो आप सभी लोग यहाँ पे एक ओकेशिया विलेज मिल जाएगा, जो कि ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है, छोटा सा विलेज है, बट गाइस हाँ काफी है इतना। एंड विलेज के बगल में आप सभी लोग एक रवीन देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा गहरा है, एकदम माइनस लेवल तक गया हुआ है। मैं आप सभी लोग को लेके चलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको लगेगा कि ये तो खत्म हो गया, बट गाइस ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नाइट विजन ले लेता हूँ अपने मतलब अंधेरे को उजाला में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इसको अपने ऊपर यूज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोग को दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइस पैसे वैसे मिलने नहीं वाले, मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग को थोड़ा लंबा टाइम तक इंटरटेन कर लूँ। तो गाइस इस वाले रवीन में आप जब नीचे आ जाओगे उसके बाद आप सभी लोग को चले जाना इस वाले कोऑर्डिनेट पे, एंड यहाँ पे आप सभी लोग को एक सिंगल ब्लॉक ऑफ डायमंड देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसको डायमंड को लेने के बाद आप सभी लोग जब थोड़ा सा दूर और आगे जाओगे तो आप सभी लोग को यहाँ पे नीचे में एक और डायमंड दिखेगा, बट गाइस यहाँ पे एक्चुअली में 3 डायमंड्स होते हैं, मैं सभी चेक करके बता रहा हूँ। तो गाइस मुझे ये गेमर बॉय वाइजे का सीट जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया, आप सभी लोग इसको चाहो तो ट्राई जरूर से कर सकते हो। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ एक और नए वर्ल्ड में, एंड इस वाले वर्ल्ड में मैं सीट डालने वाला हूँ वाइजे गोपी का। एंड वाइजे गोपी का सीट आप सभी लोग देखो, देख करके एकदम से हैरान हो जाओगे। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑन करके वर्ल्ड क्रिएट कर देता हूँ, एंड आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आप सभी लोग इस आइलैंड पे मतलब स्पॉन हो जाओगे। एंड आइलैंड पे स्पॉन होने के बाद जब आप सभी लोग आसपास घूमोगे तो आपको दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला है, बस ऐसी
फालतू से जंगल है एंड जंगल है एंड पहाड़ है एंड कुछ भी नहीं है। मैं सब डायरेक्ट में चेकआउट कर लिया हूँ। आप सभी लोग का भी मन हो टाइम वेस्ट करना हो तो आप सभी लोग भी चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ गाइस, मैं आप सभी लोग को गारंटी दे सकता हूँ कि इस वाले सीट को ट्राई करने के बाद आप सभी लोग बस एक ही चीज़ बोलोगे, ये तो टट्टी है। तो गाइज अब चलते हैं वीडियो को एकदम लास्ट सीट पे। जो गाइज ये वाला जो सीट है वो एकदम अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि गाइज आप अभी तक इतना मतलब अभी तक वीडियो देख रहे हो 5 मिनट से, तो गाइज आप सभी लोग को लेते हो बनता ही है। तो गाइज ये यहाँ पे मैंने अपना नाम का सीट डाल दिया, आप सभी लोग चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं स्पॉन हो जाता हूँ, देख सकते हो वापस एक बम्बू आया हूँ मैं। और यहाँ पे आप सभी लोग को क्यूट क्यूट पांडास भी देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो एक तो सामने में ही है। उसके बाद आप सभी लोग इस वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाओगे तो आपको एक बड़ा सा विलेज देखने को मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है, मतलब एवरेज साइड का विलेज है। एंड गाइस इस वाले सीड में एक और खास बात है कि आप सभी लोग यहाँ पे विलेज तो देखने को मिल ही रहा है, उसके साथ ही साथ जब आप सभी लोग इस वाले कोऑर्डिनेट पे आ जाओगे तब आप सभी लोग को एक विलेजर आउटपोस्ट भी देखने को मिलेगा। और हाँ गाइस, आप सभी लोग कोऑर्डिनेट को एक बार अच्छे से देख सकते हो, सभी का चाहो तो लिख लो वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब सब चीज है यहाँ पे। एंड यहाँ पे चेस्ट में लूट भी देख सकते हो आप सभी लोग। एंड गाइस अब मेरा आप सभी लोग से एक सवाल है कि आप सभी लोग को सारे यूट्यूबर्स में से किसका सीट सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड उसके साथ एक और चीज, अगर आप सभी लोग ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप सभी लोग का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड जो है, क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग वर्ल्ड जो है, वो डिलीट हो जाएगा। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड उसके साथ साथ आप सभी लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, आप सभी लोग चाहो तो जल्दी से फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, आप सभी लोग ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आप सभी लोग वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो, मैं वहाँ पे आप सभी लोग को मेंशन बैक कर दूंगा। एंड आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।